आज आप लोगों के साथ मैं मेरा रियल विंटर मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह मेरा थोड़ा सा लेट से ही होता है, इसीलिए हस्बैंड बहुत जल्दी उठ जाते हैं और मैं थोड़ा सा लेट से उठती हूँ। और विंटर के टाइम में तो रज़ाई से निकलने का नाम ही नहीं लेती हूँ मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं रज़ाई के अंदर ही सोती रहूँ और ना उठूँ। और यहाँ पे भी मैं बहुत टाइम लगाती हूँ, 5 से 10 मिनट तक मैं ऐसे ही बैठी रहती हूँ। और सुबह सुबह उठ के मैं भगवान की नाम लेती हूँ, जो मेरी हैबिट है बचपन से। और उसके बाद मैं चली जाती हूँ फ्रेशन अप होने के लिए बाथरूम में। वहाँ पे ड्रेस व्रेस चेंज करके मैंने अपना ब्रश वगैरह जो है वो सब करती हूँ। एंड सुबह सुबह मैं बहुत दिनों से ये अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि सुबह सुबह मेरा जो फेस वॉश है, मैं अपनी बेसन से मैं फेस वॉश करती हूँ, जो पैकेट में मिलता है ना, वही बेसन मैं यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा लेके बिल्कुल फेस वॉश की तरह यूज़ करती हूँ, फेस पैक की तरह यूज़ नहीं करती हूँ, ताकि जो भी डर्ट वगैरह ऑयल वगैरह जमा होता है रात के टाइम में वो अच्छे से निकल जाए। सुबह सुबह मैं कोई केमिकल प्रोडक्ट भी यूज़ करना नहीं चाहती हूँ इसीलिए। उसके बाद मैं सीधा आती हूँ अपना विंडो को ओपन करने के लिए। अभी ना ठंड इतना ज़्यादा हो गई है, क्या बताऊँ, बहुत दिनों से बहुत ठंड हो रहा है, धूप निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। थोड़ा बहुत मैं विंडो ओपन करती हूँ, ज़्यादा विंडो मैं ओपन नहीं करती हूँ। पहले आके अपना जो स्वेटर है ना, वो पहनना अभी बहुत ज़रूरी है इस बार विंटर में। तो अभी मैंने स्वेटर निकाली है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती है ऊपर के रूम पे। एंड इस बार तो ठंड ज़्यादा नहीं हुआ था, और रिसेंटली लास्ट 6 से 7 दिन तक हुआ है कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है इसीलिए। उसके बाद मैं चली जाती हूँ अपना स्किन केयर करने। जो मेरा नॉर्मल स्किन केयर रूटीन है वो मैं करती हूँ, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन। मैं विंटर में भी सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ, अगर घर में भी रहती हूँ फिर भी मैं सनस्क्रीन अपना अप्लाई करती हूँ। और सच बताऊँ, आज वीडियो शूट कर रही हूँ इसीलिए मैंने हेयर कॉम्ब किया है, वरना सुबह सुबह मैं हेयर कॉम्ब नहीं करती हूँ, भूल जाती हूँ, कभी कभार करती हूँ कभी कभार नहीं करती हूँ। और इस टाइम पे हमारे घर में भक्ति गीति चलता है, सुबह सुबह मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही भक्ति गीति सुनते हैं मोबाइल से। और यहाँ पे देखिए, अभी बहुत टाइम हो रहा है बट फिर भी जो है ना आसमान साफ नहीं हुआ है, घना बादल भी है। और इसीलिए मैंने किया है कि जो भी विंडो मैंने ओपन किया था ना, वो मैं क्लोज़ कर देती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा आ रहा था। उसके बाद मैं अपना बेड सेट करती हूँ, बेड सेट करना मुझे अच्छा लगता है और मैं प्रॉपर तरीके से अपना बेड सेट करती हूँ। तो मैं ही करती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं ही करूँ बेड सेट, बट मेरे हस्बैंड भी कभी कभार बेड सेट करते हैं। बेड सेट हो जाए ना तो ऐसा लगता है कि हाँ, घर ठीक ठाक है, साफ़ सुथरा है, ऐसा लगता है मुझे। उसके बाद मैं पीती हूँ पानी, वार्म वाटर मैं पीती हूँ 1 ग्लास।
ब्रेकफास्ट मैं चली जाती हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने, तो ब्रेकफास्ट मेरा कुछ ठीक नहीं रहता है। हर एक दिन मैं एक एक टाइप का चीज़ बनाती हूँ, जो भी घर में अवेलेबल होता है उसी से ही बनाने की कोशिश करती हूँ। और विंटर में आजकल क्या हो रहा है कि मुझे सब्ज़ी खाने का, फल खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह ब्रेकफास्ट में जो भी मैं चीज़ें बनाऊँ उसमें थोड़ा सा भेजीज जाए, ताकि सुबह की शुरुआत जो है ना बहुत ही अच्छा से हो। और यहाँ पे था क्यूकम्बर, टोमेटो, तो टोमेटो कच्चा टोमेटो मेरे हस्बैंड को और मुझे दोनों को ही पसंद नहीं है, बट टोमेटो बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो मैं बिल्कुल स्लाइस कर रही हूँ, पतला पतला स्लाइस कर रही हूँ ताकि मुंह में ना आए। और मुझे सैंडविच बनानी है आज, तो देखिए मैंने कितना पतला पतला सा चॉप किया है और थोड़ा बहुत ही मैंने लिया है। और इसके बाद मैं क्यूकम्बर को भी मैं ऐसे स्लाइस कर रही हूँ ग्रेटर की हेल्प से, क्योंकि इसको अगर मैं चॉप करने जाऊँ ना तो थोड़ा बहुत स्लाइसेस जो है वो मोटा आएगा, तो मुझे मोटा वाला नहीं चाहिए था, बिल्कुल पतला सा चाहिए था, तो इसीलिए मैं ऐसे कर रही हूँ, स्लाइस कर रही हूँ। और प्याज को भी मैं स्लाइस कर रही हूँ, प्याज मैं बहुत ही कम लूँगी, सुबह सुबह सैंडविच में प्याज अच्छा लगता है बट प्याज का टेस्ट जो है ना तो उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है सुबह सुबह, वरना प्याज मैं और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से खाते हैं। और ये मैंने एक बॉइल्ड पोटैटो ले लिया है, और सैंडविच बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए ब्रेड, तो ब्रेड आप बिना सेके भी ले सकते हो, सेका भी ले सकते हो, मैंने मेरे हस्बैंड को दिया था सेका हुआ, और मैं बिना सेके भी खा सकती हूँ, क्योंकि ये सैंडविच अगर आप रॉ ब्रेड लोगे ना तो भी अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा बटर में मैंने सेक लिया है, और घर में जो भी अवेलेबल है, जो भी सॉस वगैरह अवेलेबल है उससे ही आप बना सकते हो, ये बहुत ही आसान तरीका है, और मुझे तो ये सैंडविच बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा ब्रेड को मैंने सेक लिया है और सारा जो चीज़ें हैं वो मैंने निकाल के रख दिया है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी आज सेजवान सॉस एंड टोमेटो सॉस, अगर आपके पास ग्रीन चटनी हो आप वो भी यूज़ कर सकते हो सेजवान सॉस के जगह पे, और थोड़ा सा ओरिगैनो एंड रेड चिली पाउडर, ये थोड़े से रेड चिली पाउडर नहीं, रेड चिली फ्लेक्स है मेरे पास, तो मैं दो यहाँ पे बना रही हूँ। फर्स्ट तो एक दो ब्रेड के स्लाइस पे मैंने दिया है टोमेटो केचप, एंड दो ब्रेड के स्लाइस पे मैंने दिया है सेजवान सॉस, क्योंकि मेरे पास ग्रीन चटनी नहीं था, मेयोनीज भी मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, तो इसको मैं स्प्रेड कर देती हूँ। और उसके बाद टॉपिंग्स में आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद है आप वो दे सकते हो। तो पहले मैंने दिया है बॉयल्ड पोटैटो, फिर उसके बाद क्यूकम्बर बहुत सारा, थोड़ा बहुत टोमेटो, एंड उसके बाद प्याज भी ऐड कर दिया, और उसके बाद मैंने दिया है यहाँ पे ओरिगैनो एंड थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, बहुत यमी बनता है। और सच्ची बताओ ये रेसिपी मैंने कहीं पे भी नहीं देखा है, मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग वीडियो देखती हूँ तब दिमाग में जो भी आता है मैं वैसे ही बनाती हूँ, तो ये मैंने दो दिन बना के ऑलरेडी खाया है, तो ये जिस दिन रेसिपी मैंने शूट किया था और जिस दिन मैं खा रही हूँ मैं अभी दिखाऊंगी आप लोगों को, वो दो दिन अलग अलग है, इस दिन मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी अपना खाना इसीलिए। तो आपके पास जो भी सारा वेजिटेबल्स है ना आप उसी से ये सैंडविच बना सकते हो, बहुत यम्मी लगता है, हेल्दी भी है, टेस्टी भी बनता है, और बहुत क्विक भी बन जाता है, सुबह सुबह ऐसा खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखिए बहुत जल्द से जल्द फटाक से तैयार हो जाता है ये चीज़, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया, भैया को भी बहुत ही पसंद आया। ऐसे इजी रेसिपी मैं बहुत अभी बना रही हूँ, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ। ऐसे चीज़ें बना के अगर खाऊँ ना जो चीज़ हम लोगों को पसंद भी नहीं है वो भी जाता है, और हेल्दी भी है और क्विक भी बन जाता है, ऐसा चीज़ तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई रियल विंटर मॉर्निंग रूटीन, मेरा मॉर्निंग कुछ ऐसे ही जाता है। इसके बाद मेरा जो घर का काम है, एडिटिंग का काम है, वो सब स्टार्ट हो जाता है। तो इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, जो मेरे साथ मैं हर वक्त होता है वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे अगर आप मॉर्निंग इवनिंग नाइट रूटीन देखना चाहते हो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं शेयर करूंगी। और मिलते हैं नए व्लॉग के साथ बहुत जल्दी, टिल देन अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने के साथ खुशियाँ बांटते रहिए, एंड खुद का ध्यान रखिए। बाय।